ओके, दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर वन। यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट द नेम्स ऑफ एनी सिक्स फ्रूट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे देखो 6 to 2 बॉक्स दिया गया है, 6 to 2 बॉक्स में आपको क्या करना है, 6 फ्रूट्स का नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिखा हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना, एप्पल, ब्लूबेरी, चेरी, डोरियन, गूजबेरी, क्यूई फ्रूट्स, ठीक है। तो इसका इस वर्ड सब का पहला लेटर सब अल्फाबेटिकल है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नंबर बी, अरेंज द लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फाइंड द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स। यहाँ पे देखो 16 एनिमल्स सबका नाम है, लेकिन वो लेटर सबको जंबल कर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, करेक्ट जगह पे ये लेटर सबको लिखना है और वर्ड सब एनिमल सबका पता लगाना है, ठीक है। जैसे नंबर 1 में है मॉन्की, नंबर 2 में है डोंकी, 3 में है एलिफेंट, 4 में है उल्फ, 5 में है फॉक्स, 6 में है डॉग, 7 में है टाइगर, 8 में है लायन, 9 में है बियर, 10 में है जेब्रा, 11 में है कैट, 12 में है हॉर्स, 13 में है कैमल, 14 में है जिराफ, 15 में है रैबिट, 16 में है गोट। ओके, अब इसको एक और चीज़ करने के लिए बोला है। क्या करने के लिए बोला है, नाउ राइट द नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। नोटबुक मतलब आप अपना कॉपी में इसको अरेंज करके अल्फाबेटिकली लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर कोई एनिमल का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो देखो ए से लिखना पहले, लेकिन यहाँ पे ए से कोई है नहीं, तो आप क्या करना है, बी में चले जाना, ठीक है। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, नंबर सी देखो, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 3 हु आर गोइंग ऑन ए पिकनिक, री राइट द लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिस्ट है, स्टूडेंट्स लोगों का लिस्ट है, और इस लिस्ट में आपका क्या दिया गया है, लेटर सब दिया गया है, और पहला लेटर सबको देख देख के आपको अरेंज करना है, ठीक है। जैसे कि नंबर वाइज में कर दिया हूँ, जैसे नंबर 12 है 1, फिर 2, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 12 के बाद 13, 14, 15 15 के बाद 16, 17, 17 के बाद क्या है 18, ठीक है। 18 के बाद और आगे है क्या, नहीं, 18 के बाद 19 के बाद कहाँ है 20, 19 के बाद होती 20, ठीक है। ओके, सो ये ख़त्म होता है यहाँ पे। अब जाएंगे हम लोग नेक्स्ट पेज। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर डी देखो, नंबर डी में क्या करना है, रीराइट दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको इच 4 वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा के लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं नंबरिंग कर दिया हूँ ताकि आसान हो जल्दी जल्दी करने के लिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ठीक है। नेट, नेल, नॉट, नट, ठीक है। नंबर 2 में 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर नंबर 3 में 1, 2, 3, 4, नंबर 4 में 1, 2, 3, 4, 5 में 1, 2, 3, 4, 6 में 1, 2, 3, 4, 7 में 1, 2, 3, 4, 8 में 1, 2, 3, 4,
नाइट में वन टू थ्री फोर, ठीक है, टेन में वन टू थ्री फोर फाइव, इलेवन में वन टू थ्री फोर, ट्वेल्व में वन टू थ्री फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे नंबरिंग नंबर ही बस क्यों बोलता गया, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए मैं आपको नंबरिंग करके कर दिया हूँ, ठीक है। सो अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट में यहाँ पे इस पेज में क्या है, इस पेज में डिड यू नोटिस दैट वर्ड्स ऑन दिस पेज आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, व्हेन रीडिंग ए डिक्शनरी रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको समझाने से पहले देखो, मैं आपको फिर से बैक जा रहा हूँ इस पेज में, देखो। लेट अस नो हाउ एट दिस सेक्शंस फ्रॉम द लॉन्ग मैन न्यू जूनियर इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। यह है लॉन्ग मैन न्यू जूनियर इंग्लिश डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये उसका पेज है, तो यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया रहता है बोल्ड में, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होना है, फिर वो क्या है, वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है पोकिंग, फिर पास्ट पोक्ड, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, उससे एक सेंटेंस दिया गया है, इस तरीके से आपका डिक्शनरी में रहता है, ठीक है। तो आपका जो वर्ड भी अरेंज जो रहता है ना, वो भी अल्फाबेटिकली रहता है, ठीक है। जाते हैं इस पेज में, अब यहाँ पे देखो फिर से, डिड यू नोटिस दैट वर्ड्स ऑन दिस पेज आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, व्हेन रीडिंग ए डिक्शनरी रिमेंबर दिस पॉइंट्स, डिक्शनरीज ऑफन यूज एब्रीविएशंस फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए कभी कभी एब्रीविएशंस यूज होता है ऑफ द वर्ड्स, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में ADJ स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, ADV स्टैंड फॉर एडवर्ब, N और N स्टैंड फॉर नाउन, V और VB स्टैंड फॉर वर्ब्स, PREP स्टैंड फॉर प्रीपोजिशंस, ओके। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड इज प्लेस्ड बिटवीन टू स्लैश मार्क, ठीक है, दो स्लैश मार्क का बीच में रखा जाता है। नंबर थ्री, व्हेन लुकिंग अप ए वर्ड स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, द गाइड वर्ड्स एट द टॉप ऑफ द पेज विल टेल यू द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड्स ऑन द पेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पेज का लेफ्ट साइड ऊपर में कॉर्नर में एक वर्ड रहता है बोल्डली, उससे पता चलता है कि वो वर्ड से स्टार्ट है, और लास्ट में आपका लेफ्ट साइड राइट टॉप में भी एक वर्ड रहता है, तो उसके अंदर उस पेज में जितना सारा वर्ड आएगा वो रहता है, ठीक है। ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द वर्ड ड्राइव, द गाइड वर्ड्स ऑन द पेज कुड बी ड्रैगन एंड डक, ठीक है। ओके, देखो लर्न में क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट हैज़ बीन स्पेल्ड करेक्टली इन ईच पेयर, यू मे यूज़ ए डिक्शनरी, यहाँ पे आप क्या करना है, आपको स्पेलिंग ये दोनों में से देखना है कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर CORDINATOR होता है, नंबर टू में ग्रेसी GREASY होता है, नंबर थ्री में क्रिस्टल का स्पेलिंग होता है CRYSTAL, नंबर फोर पार्लियामेंट का स्पेलिंग होता है PARLIAMENT, और नंबर फाइव में एम्ब्रेसमेंट का स्पेलिंग EMBARRASSMENT होता है, ओके ओके। सो यहाँ पे इस पेज ख़त्म हुआ, अब जाएंगे नेक्स्ट पेज में देखो, नंबर सिक्स में है ओकेजन का स्पेलिंग OCCASION, नंबर सेवन में स्किलफुल SKILFUL होता है, डबल L नहीं होता है, नंबर एट में फुलफिल FULFIL, फुलफिल, नंबर नाइन में साइकोलॉजी PSYCHOLOGY, नंबर टेन में आर्टिफिशियल ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल, ओके। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे का A और B, ठीक है।